था। तो ये देखिए, एक ये छोटा सा रूम है, कोई फाइव स्टार नहीं, कोई कुछ नहीं, कितने सिंपल तरीके से सर रहते हैं। कागज मिलेंगे बस। ये देखिए देखिए, सेवा सिंह बाली जी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से दिल्ली में जब सेवा सिंह बाली आए थे, वो दिल्ली में रहे थे, कौन से होटल में रहे थे, कितनी सादगी से वो दिल्ली में रहे थे, जबकि आप लोगों को कितना प्यार मिला उनको। एक वो बहुत अच्छे लीडर हैं और दिल्ली में तमाम दिग्गज नेताओं का भी उनको समर्थन मिला, लेकिन आज उनकी दिन कैसा रहा, किस तरीके से वो रहे, कौन से होटल में रहे, ये तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि ये जो मैंने वीडियो है वो बहुत पहले शूट करा था, जो उनका मैं होटल दिखाऊंगा आपको वो काफ़ी पहले शूट करा था, लेकिन डालने का मौका नहीं मिला। देखिए, मैंने आपको बताया मैं जर्नलिस्ट हूँ तो बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। अगर अभी की बात करें तो आज 29 जनवरी है और अभी टाइम लगभग हो रहा है 8:30 या 9 बज रहे हैं। दिल्ली में आज एक बहुत दुखद घटना हुई, इसराइल एम्बेसी के बाहर, दूतावास इसराइल के बाहर लगभग 150 मीटर की दूरी पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। आईबी डिवाइस होती है, उसके ज़रिए ये बॉम्ब ब्लास्ट किया गया। जो खबर निकल के आई है, मैं खुद वहाँ मौजूद था, मेरे को ऑफिस से जैसी जानकारी मिली मैं गया, ऑफिस वालों ने मेरे को बताया, जो इनपुट होता है हमारा, इनपुट जो काम करता है वो हमें बताता है कि किस तरीके से कहाँ कौन सी खबर चल रही है। तो ये एक आपको मैंने अंदर की बात बताई है। तो वहाँ से मेरे को ऑफिस से फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि इसराइल एम्बेसी के बाहर ब्लास्ट हो गया। तो मेरा पहला रिएक्शन था व्हाट, मतलब क्या क्या बोल रहे हो आप, ये इसराइल एम्बेसी के बाहर ब्लास्ट। दिल्ली का बहुत फेमस इलाका है, लुटियन जोन कहा जाता है उसको, बीटिंग रिट्रीट वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया कहा जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड है जहाँ पर यह ब्लास्ट हुआ है। लेकिन देखिए, ब्लास्ट में किसी की जान नहीं गई है, कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि 3 गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ पर, उन तीनों गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। बताया जा रहा है कि जो ब्लास्ट है, पहली खबर जो निकल के आई वो यही आई कि जो इसराइल एम्बेसी है उसके बाहर फुटपाथ है, वहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ था। और इसकी जो ब्लास्ट की खबर है वो इसराइल एम्बेसी में जो काम करते हैं लोग, उन्होंने ही दिल्ली पुलिस को दी, वीडियो बनाया, वीडियो बना के वो शेयर किया। उसके बाद धीरे धीरे मीडिया का जमावड़ा लगा, आप सबने वो देख ही लिया होगा क्योंकि वो ब्रेकिंग चल रही है। जब तक ये वीडियो आएगी आप तब तक देख चुके होंगे, ये वीडियो थोड़ी लेट आएगी। लेकिन आज मेरा जो दिनचर्या था वो मैंने आपको बताया क्या क्या रहा। और रही सेवा सिंह बाली जी की बात, आज वो दिल्ली से चले गए हैं, जिस तरीके से वो दिल्ली में आप लोगों के लिए, तमाम जितने भी SPOs हैं उन्होंने दिल्ली के दिग्गज नेताओं से बात करी, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की और उनको साथ ही दिल्ली में कई जगह सम्मानित भी किया गया। बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट एसोसिएशन का उनको जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष तक नियुक्त कर लिया गया है और उसी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन ने आज उनको बहुत ज़्यादा सम्मानित करते हुए उनको अपने एसोसिएशन की तरफ से, जो उनके चेयरमैन हैं राजू चंदेल, उन्होंने वो अपने और उनकी पूरी एसोसिएशन की तरफ से सेवा सिंह बाली जी को एक कार तोहफे में दिया था। अब वो इस वक्त पहुंच चुके होंगे जम्मू कश्मीर, आप लोगों के बीच में होंगे जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे। तो ये सारे दिन का आज मेरा दिनचर्या था। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, किस तरीके से सेवा सिंह बाली जी दिल्ली में रहते हैं, कौन से होटल में रहते हैं, कैसे वो रहते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा वीडियो है, क्योंकि देखिए टाइम नहीं मिला, मैं भी अपने काम में बिजी रहता था, वो भी आप लोगों के लिए बिजी रहते थे। मैं आपको इतना बता देता हूँ, दिल्ली में एक होटल है, पहाड़गंज एरिया पड़ता है, वहाँ पर ये रहे, बहुत सिंपली बहुत छोटे होटल में रहे। कौन सा होटल है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद एक चीज़ और, आप लोगों की पिटीशन एक्सेप्ट हो चुकी है तो जल्दी आप लोगों की डेट पड़ने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, तो हो सकता है सेवा सिंह बाली जी जब दिल्ली आएंगे तो फिर से मैं आपको उनका पूरा दिनचर्या दिखाऊंगा। मेरा आपसे वादा है, किस तरीके से वो रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और वो अपना पूरा दिन कैसे बिताते हैं, ये मैं एक पूरी स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, जो मेरे तमाम सब्सक्राइबर हैं, SPO भाई हैं, वो देख सके कि किस तरीके से जो लीडर हैं, आपने बड़े बड़े लीडरों को बड़े बड़े घरों में रहते हुए देखा होगा, लेकिन सेवा सिंह बाली जैसे जो लीडर हैं वो कितने सिंपल तरीके से रहते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अब वीडियो में शुरू करते हैं। और सबसे पहली चीज, जाते जाते मैं बोल दूं आपको, प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी पता लग सके आज का जो दिनचर्या है, सेवा सिंह बाली जी ने किस तरीके से दिल्ली में रहे हैं वो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ये वीडियो कैसे लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 बजे
आप पहले वो लाइव देख चुके होंगे क्योंकि ये वीडियो लेट आएगी, 6 बजे वाला लाइव 22 जनवरी का वो देख चुके होंगे। अभी सेवा सिंह बाली सर जी जो हैं अपने होटल पहुंच चुके होंगे, मैं जा रहा हूं उनके होटल में, आपको उनका होटल भी दिखाऊंगा, उनका कमरा भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से बाली सर दिल्ली में रह रहे हैं आप लोगों के लिए। ना कोई 5-स्टार होटल है, ना कोई बड़ा होटल है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, बहुत सिंपल छोटा सा होटल उन्होंने ले रखा है। तो अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, आपको उनका होटल दिखाता हूँ, उनका कमरा दिखाता हूँ और उनसे वार्तालाप करता हूँ, और फिर जो आप लाइव देख चुके हैं वो मैं शुरू करूँगा इस वीडियो में। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ और फिर वो लाइव शुरू करूँगा, और वो लाइव आप पहले देख चुके होंगे, यानी लाइव नंबर 5 वो आप देख चुके होंगे जो अब मैं करने जा रहा हूँ सेवा सिंह बाली सर के पास। तो उनके होटल में अब चलते हैं। अब हम आ गए हैं CNG डलाने के लिए, क्योंकि अभी जैसे कि पता लगा खाली टाइम तक क्यों ना सोचते CNG भरवा ली जाए। तो इस वक्त हम हैं कनॉट प्लेस में, ये गोल मार्केट एरिया पड़ता है, वहाँ पर CNG भरवाने आए हैं। सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ आज का मेरा जो दिन है क्या है क्या नहीं। CNG भरी जा रही है, फ्यूल भर रहा है, और ये मेरी गाड़ी है, स्विफ्ट है, थोड़ा पुराना मॉडल है लेकिन यही है अभी। CNG की CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी, सस्ती भी, और गाड़ी की मेंटेनेंस भी लो रहती है इसमें। अगर जो लोग ये देख रहे हैं अगर CNG का पता हो तो शायद इनको पता हो CNG सस्ती तो है लेकिन एक दिक्कत रहती है लाइन लगानी पड़ती है, लेकिन जब हम आए तब लाइन नहीं थी, अब लाइन लंबी हो चुकी है। CNG अच्छी है, एनवायरनमेंट भी ग्रीन रहता है, क्लीन रहता है, लेकिन लंबी लाइन बहुत लग जाती है। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए कि ये लाइन जो है वो ख़त्म हो जाए ताकि लोगों के लिए और सुविधा हो जाए। तो सेवा सिंह बाली सर जहाँ रुके हुए हैं, जिस होटल में रुके हुए उस होटल में मैं आ चुका हूँ। शायद वो अपने रूम पे भी पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे, खटखटा के देख लेते हैं। ये इनका रूम नंबर सर, आ सकता हूँ अंदर? तो यही सर का रूम है, 6 बजे का आप लोगों को मैंने टाइम दे रखा था। तो ये देखिए, एक ही छोटा सा रूम है, कोई 5-स्टार नहीं, कोई कुछ नहीं, कितने सिंपल तरीके से सर रहते हैं। कागज मिलेंगे बस, ये देखिए पूरे रूम में कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए। कागज जो पिटीशन का इंतजाम होता है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, कोई 5-स्टार होटल नहीं, कोई रिजॉर्ट नहीं, देख सकते हैं आप, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। और 6 बजे का लाइव है, सर रेडी होके बैठ गए, और जबकि अभी ये सुप्रीम कोर्ट से आए हैं और पूरे तैयार हो चुके हैं। अभी मैंने कमीज वो सामने पड़ी है, सिर्फ कमीज ही चेंज की थी तो आप चेंज आप पहुंच गए। हाँ मैं आ गया सर, और मैंने भी चाह, और मैं अब लाइव के दौर में काफ़ी कप पीऊँगा या चाय पीऊँगा आपके साथ, और मैं जिस तरीके से मेरे साथी मेरे इंतज़ार करते हैं, मैं अल्लाह से भगवान से ये दुआ करता हूँ कि उनके चेहरों पर हमेशा रौनक बनी रहे, और उसके लिए मुझे अगर जिंदगी की आखिरी सांस भी कुर्बान करनी पड़े तो आई विल रेडी। तो चलिए सर अब लाइव शुरू करते हैं, जब आप ये वीडियो देखेंगे वो उससे पहले आप लाइव देख चुके होंगे। तो आज का लाइव नंबर 5 मैंने आपको सर का दिखा दिया कि किस तरीके से डाउन टू अर्थ रह रहे हैं। यहाँ पर भी कागज ही कागज है, देखिए दिस इज पिटीशन कॉपी, ये देखिए, क्योंकि आपको कल पहले ही पता लग चुका होगा, ये पहले इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये एट अ टाइम नहीं दिखा सकते हैं। ये सारी आपके लिए पिटीशन तैयार हो चुकी है, देखिए कितना ज़्यादा पेपर वर्क है, आप समझ सकते हैं। देखिए देखिए ये सारे आपके दस्तावेज हैं SPO भाइयों, ये देखिए। और 6 बजे का लाइव का टाइम है आपसे जुड़ने का, तो 10 मिनट रह गए हैं, तो सर शुरू करें अब लाइव। बिल्कुल बिल्कुल रेडी। चलिए तो शुरू करते हैं लाइव, और इस वीडियो की यहीं पे करते हैं समाप्ति।
वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। तो लगभग अब टाइम 10:30 के आसपास हो रहा है। आज का मैंने आपको पूरा दिन दिखाया किस तरीके से जो सेवा सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में सारे एसपीओ भाइयों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ पे पिटीशन फाइल होनी थी। तो लगभग मैं सेवा सर के पास पहुँच गया था 6 बजे, उनके कमरे में गया, उनका कमरा दिखाया आप लोगों को कि कितनी सिंपलिसिटी से रह रहे हैं वो। इतने बड़े मुहिम चला रखी है, चाहते तो अच्छी लग्जरी होटल कर सकते थे लेकिन वो नहीं करा, बिल्कुल एक छोटा सा होटल कर रखा है दिल्ली में और बिल्कुल डाउन टू अर्थ रह रहे हैं वो। और कई बार तो खाना भी नहीं खाते, जैसा आपने देखा होगा लाइव में, टोस्ट और ब्रेड मैंने ही उनके लिए कॉफ़ी ऑर्डर करी और लगभग लाइव जो चला वो 2 घंटे 20 मिनट के आसपास चला और उसमें आप लोगों का बहुत प्यार आया। तो फिलहाल अब मैं घर जा रहा हूँ। देखिए यही होते हैं मीडिया पर्सन की लाइफ। मैं सुबह आज घर से लगभग 8 या 9 बजे के आसपास निकला था और अब 10:30 हो रहे हैं, अभी भी मैं भारी हूँ, घर जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मीडिया की लाइफ यही है जी, कभी रुकती नहीं है, 24 घंटे 7 दिन चलती रहती है। अगर रात को फ़ोन आ गया ऑफिस की तरफ से कि आपको जाना है, कोई बहुत ज़्यादा गड्ढा था, कोई बड़ी खबर आ गई तो जाना पड़ेगा। और थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, लग रहा है दिल्ली में ठंड पड़ गई आज, तो हल्का मेरे को लग रहा है कि ज़ुकाम ना हो जाए, थोड़ा गले में दर्द हो रहा है। चलिए आज की वीडियो की यहीं पर करते हैं समाप्ति। अगला व्लॉग में कोई और नया लेके आऊँगा आपके लिए और अपनी लाइफ दिखाऊंगा आपको। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट्स कीजिए और अपने परिवार को बढ़ाइए। तब तक के लिए नमस्कार।